फिर सबकी प्यारकी में होगा बहुत ही ज्यादा ड्रामा। आई है घर में नई मेहमान और ये मेहमान है दादी की बहन। जी हाँ, आपने सही सुना। अब जहाँ पे दादी की बहन है तो वहाँ बड़ों का आशीर्वाद तो लेना ही पड़ेगा, इसीलिए सब लोग उनके पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं। शंकरा भी लेती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि शंकरा बिहान की पत्नी है। उन्हें तो ये ही लगता है कि थपकी ही बिहान की पत्नी है, इसीलिए दादी बिहान और थपकी से कहती है कि कुछ दिन साथ में रहने का उन्हें ड्रामा करना पड़ेगा, क्योंकि दादी की बहन बीमार होती है और इसकी वजह से उन्हें कोई भी शॉकिंग खबर नहीं दे सकते। तो अब आगे क्या होगा, और बिहान और थपकी में फिर से प्यार होगा? कबीर कुछ तो नौटंकी जरूर करेगा, क्योंकि कबीर का मोटिव है बिहान को पहचान करना, क्योंकि उसका बदला भी वही है, रिवेंज भी वही है। जब तक बिहान दर्द में नहीं होगा तो कबीर को सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि जितनी बार वो अपनी बहन को देखता है वो रेज में आ जाता है, एंग्स में आ जाता है कि मुझे बदला लेना है। जबकि ऑन दी अदर साइड उसको बुरा भी फील हो रहा है थपकी के लिए, क्योंकि वो थपकी को हर्ट नहीं करना चाहता है, एक एज अ फ्रेंडली सॉफ्ट कॉर्नर है थपकी के लिए। अब दादी आ गई है तो वो सोच रहा है कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे शोर शराबा मचे और बिहान को दुख हो थोड़ा। तो उसने कुछ प्लान किया है, लेकिन आई एम श्योर कि थपकी ने भी कुछ प्लान ज़रूर किया होगा उसको दादी को बचाने के लिए, क्योंकि जो मुझे पता नहीं है, बात यह है कि दादी जो हैं थोड़ी दिल की मरीज़ हैं, तो उनको ज़्यादा शौक नहीं दिया जा सकता। तो उस हिसाब से आई एम श्योर थपकी ने भी कुछ काउंटर प्लान किया होगा ज़रूर। तो आपको क्या लगता है, शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में, और टीवी जगत की अन्य चटपटी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टीवी प्राइम टाइम हिंदी।